आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद में 17,000 नए मतदाता विधानसभा चुनाव में करेंगे मतदान, एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। भारत रत्न से विभूषित लता मंगेशकर के निधन पर पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे सहित अन्य लोगों ने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि। कहा, उनके निधन पर पूरा देश मना रहा है शोक, भगवान उनकी आत्मा को दे शांति। चार फरवरी से कलेक्ट्रेट परिसर में विधानसभा चुनाव के लिए हो रहा है नामांकन, प्रत्याशी खरीद रहे हैं पर्चा, एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। गोरखपुर के कौड़ीराम क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत सदस्य राष्ट्रीय स्वर्णकार संगठन के संरक्षक विनय वर्मा रविवार को अपने समर्थकों समेत भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने दिलाई सदस्यता, विनय वर्मा के विधानसभा चुनाव लड़ने की है चर्चा। भाजपा ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के पत्रक को लेकर 322 शहर विधानसभा में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में चलाया घर घर संपर्क का अभियान। कहा, हर घर में तथा लोगों में देखने को मिल रहा है उत्साह, सर्वाधिक मतों से गोरखपुर की जनता सीएम योगी को जिताने का करेगी काम। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद में होने वाले 3 मार्च के मतदान के लिए कहा, मतदाताओं की जागरूकता के लिए 9 विधानसभा में प्रचार वाहन को किया गया है रवाना। किया अपील, 3 मार्च को घर से निकलकर सभी नागरिक जरूर करें मतदान। सदर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय सैतवार मल स्वाभिमान मोर्चा ने दिया समर्थन। कहा, विधानसभा चुनाव में सैतवार समाज मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को करेगा वोट। और गोरखपुर में रविवार को पाए गए 46 नए कोरोना संक्रमित मरीज, अब एक्टिव केस की संख्या हुई 653। सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि।